देवास में आज 63वीं राष्ट्रीय शाला सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण पारनीर पब्लिक स्कूल मुखर्जी नगर में किया गया है। गायत्री राजे पवार इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अपने संबोधन में कहा कि देवास के लिए गर्व की बात है कि यहां सॉफ्ट टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक कोर्ट है, जिससे देवास के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष ने कहा कि भारत में देवास का नाम आज जो खेल आयोजनों के लिए जाना जाता है, और इस अवसर पर विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई है। प्रतियोगिता का समापन समारोह आज संपन्न होने जा रहा है। इसमें अंडर 19 बॉयज में मध्य प्रदेश टीम को गोल्ड मेडल मिला है, सिंगल्स में गोल्ड मेडल मिला है, वैसे इसी प्रकार गर्ल्स में भी मध्य प्रदेश टीम को सिल्वर मेडल मिला है, तो मध्य प्रदेश गर्ल्स के सिंगल्स को भी सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। आज समापन के अवसर पर देवास की विधायक गायत्री राजे कुमार और महापौर सुभाष शर्मा जी और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन राय सिंह सिंह जी के अतिथि में समापन समारोह को संपन्न किया गया है। ग्रेट खली का जो माहौल था देवास में, वो बहुत एक आकर्षण वाला केंद्र था, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं में इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल का किसी खिलाड़ी को लाना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, और देवास की जनता ने जो उनको ग्रेट खली को जो एक सम्मान दिया, एक स्वागत दिया है, उसके लिए मैं देवास की जनता का भी मैं बहुत आभारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंचायत सेराई और बहादुरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषकों को करोड़ों रुपए की राशि के प्रमाण पत्र बांटने के साथ ही आज किसान सम्मेलन में भाग लिया।